ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज एक ऐसा गूढ़ रहस्य मैं आपके साथ साझा करूंगा जो आज तक किसी ने साझा नहीं किया होगा। ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ से मैंने लिया है और ये जो भी तंत्र क्रिया है ये सारी श्री महादेव उवाच है, मतलब कि महादेव द्वारा रचित है। तो एक बार ऐसे ही महादेव और माँ पार्वती के बीच संवाद हो रहा था, तो उसमें माता पूछती हैं कि क्या कुछ ऐसी कोई गूढ़ विद्या भी है जिससे कि मानव जो है किसी को अपने अनुकूल कर सकते हैं, किसी को मोह सकते हैं। उस समय शिवजी ने कहा, हे कोमलांगी पार्वती, मैंने इस गुप्त विद्या का कथन करोड़ों बार किया है, परंतु यदि तुम नारी सुलभ चपलता के कारण पुनः सुनना चाहती हो तो सुनो। ये जो यंत्र मैं अभी आपको दे रहा हूं ये मोहिनी यंत्र है। इस यंत्र के पीछे अपना और अपने साथी का नाम और दोनों की फोटो, ये आपको अनार की कलम से बनाना है। अगर अनार की कलम नहीं है तो कुछ भी इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि जो अनार का पौधा होता है वो आकर्षण के काम में आता है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको कहीं से भी अनार की कलम बनानी होगी। इसके बाद इसको रोली की शाही बनाकर इस यंत्र को बनाना है आपको। ये यंत्र बनाइए और अपने साथी का नाम पीछे लिखिए, दोनों की फोटो इसमें लपेटकर आपको शहद की डिब्बी में रख देनी है। याद रहिए, जितना शुद्ध शहद होगा उतना ही मिठास आपके रिश्तों में आ जाएगी। अगर आप कंपनियों का लेते हैं, जितने भी ब्रांड हैं, वो काम नहीं करेंगे। आपको शुद्ध शहद लेना होगा। कहीं पर भी जाइए, कहीं से भी इकट्ठा कीजिए, लेकिन शुद्ध शहद होना चाहिए, छोटी मक्खी वाला। आप गांव देहात में जाकर इसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सामग्री आप लगाएं अगर वो शुद्ध नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। आप अपने आस पड़ोस में किसी गांव में जाइए, वहां से उसको उपलब्ध कराइए और इसके बाद इस प्रयोग को कीजिए। इसके बाद आपको हफ्ते भीतर इसका असर दिख जाएगा। अगर असर ना दिखे तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पर त्रुटि की है या फिर आपकी जो सामग्री है वो शुद्ध नहीं है। एक बार दोबारा कीजिएगा, इसको आप कितनी भी बार कर सकते हो, लेकिन पहली ही बार में हो जाए इसके लिए आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। जितनी भी सामग्री है शुद्ध होनी चाहिए। और इसको आज जैसे कि अमावस है आज बना सकते हैं, पूर्णिमा भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कई बार होता है शुद्ध शुभ अवसर आ जाते हैं। जैसे अभी आने वाला है सावन, आने वाले हैं, तो सावन में क्या होता है कि सावन में दिन वार नक्षत्र नहीं देखे जाते, पूरा सावन ही आकर्षण के काम में आता है। आप आकर्षण का कोई भी यंत्र सावन में बना सकते हैं, किसी भी समय बना सकते हैं, क्योंकि सावन जो है वो बना ही इसलिए आकर्षण कर्म के लिए। तो इस प्रयोग को कीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो कॉल कीजिएगा 999-1625 पर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।